हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया स्टॉक के बारे में। दोस्तों, इसका क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही ख़राब आया है और इसका शेयर प्राइस मतलब कि दोस्तों बहुत ज़्यादा डाउन जा सकता है। ऐसा बोला जा रहा है दोस्तों कि ये कंपनी बंद भी हो सकती है। ये मेरा खुद का मनगठन कहानी नहीं है दोस्तों, जैसा रिपोर्ट में लिखा हुआ है वैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि वोडाफोन आइडिया दोस्तों बंद होने के कगार पर भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, स्टॉक का प्राइस कुछ अजीब सा यहाँ पर आपको दिखा लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे कि यहाँ पर देखिए ब्लैक एंड व्हाइट जैसा है पूरा। और अगर आज का देख सकते हैं दोस्तों, इसमें हाईएस्ट और लोएस्ट की बात कर लेते हैं, तो स्टॉक ओपन हुआ था 4.50 में, हाईएस्ट गया था 4.55 में, लेकिन लोएस्ट गया था दोस्तों 4.40 में। मतलब कुछ भी ज़्यादा मूवमेंट नहीं, हल्का फुल्का जो हो रहा था थोड़ा बहुत हुआ है। और रिज़ल्ट यहाँ पर देख लो दोस्तों, रिज़ल्ट आपके सामने है। यहाँ पर देख सकते हो वोडाफोन आइडिया Q3 रिज़ल्ट है। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, 6,453 करोड़ का जो है यहाँ पर लॉस बताया गया है दोस्तों वोडाफोन आइडिया में। तो स्टॉक का प्राइस हो सकता है कि मतलब थोड़ा बहुत गिरावट हो जब मार्केट ओपन होगा। तो जिन्होंने दोस्तों हेवी क्वांटिटी में ख़रीदा है उनको नुकसान होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो जितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक नहीं ख़रीदा है, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि दोस्तों आप ऐसे स्टॉक से दूर रहिए। प्लीज ऐसे स्टॉक से दूर रहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं आपको बोलूंगा कि कौन सा स्टॉक खरीदना है। आपको क्वालिटी वाले स्टॉक खरीदना है, क्वांटिटी वाले नहीं। अगर क्वांटिटी वाले स्टॉक खरीदोगे तो आपका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्टॉक है वो क्वांटिटी वाला बन चुका है। क्वांटिटी का मतलब दोस्तों, वोडाफोन आइडिया शेयर का प्राइस कितना है? 4 रुपीज के आसपास। कुछ लोग ऐसे हैं 3,000, 4,000, 5,000 जो है अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं कि नहीं, जब होगा, जब प्राइस इंक्रीज होगा तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। ऐसा कुछ नहीं है, कभी क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड रहा करो दोस्तों। जब क्वालिटी अच्छा होगा बिजनेस का, तो भले ही आज के डेट में आपको लॉस हो, लेकिन कल आपको रिकवर करके दे देगा। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि दोस्तों जो ये जो कंपनी है गोइंग कंसर्न होने में इसको डाउट है। मतलब कि दोस्तों गोइंग कंसर्न का होता है, गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि कंपनी मतलब आने वाले साल, मतलब कि तिमाही ऑन तिमाही, ईयर ऑन ईयर, जैसे जैसे आ रहा दोस्तों वैसे कंपनी चलते रहेगी। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि डाउट है, क्योंकि दोस्तों सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वोडाफोन आइडिया के ऊपर एक रेवेन्यू जनरेट नहीं करने का कोई सिस्टम नहीं निकाल पा रहा है। क्योंकि जियो और एयरटेल ये दोनों जो है बहुत अच्छा मार्केट में कॉम्पिटिट कर ले रहे हैं, और ये दोनों के पास जो है कस्टमर भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि एयरटेल के पास क्या है दोस्तों, इसके पास नेटवर्क बहुत अच्छा है, इसका कहीं भी जाओ तो नेटवर्क बहुत अच्छा है और फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है। अब जियो का क्या है दोस्तों, नेटवर्क नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, प्राइस कम दे देता है। वोडाफोन आइडिया अब दोनों तरफ से फंस जाता है, दोनों तरफ से फंस जाता है। ना ही इसके पास पैसे हैं, ना ही इसके पास अच्छा नेटवर्क है, ना ही इसके पास गुड क्वालिटी है। अकॉर्डिंग टू बिजनेस बताया जा रहा है, ये मैं अपने खुद से नहीं बता रहा हूँ। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एज ए गोइंग कंसर्न के लिए इसको हो सकता है कि डाउट हो। और आज के डेट में तो स्टॉक ना ही ऊपर में बंद हुआ है, ना ही नीचे में बंद हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं 0.00% में बंद हुआ है, क्योंकि अभी स्टॉक का हालत ख़राब है। तो दोस्तों मैं बोलूँगा, प्लीज़ ऐसे स्टॉक से दूर रहे तो अच्छा रहेगा, क्वालिटी वाले बिजनेस खरीदो। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि इसका जो रिजल्ट अनाउंस हुआ है वो आप लोगों के सामने आ सके, कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ है। अगर आप इसको रिजल्ट के हिसाब से देखना चाहते हैं और पैसे इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं तो बोलूँगा थोड़ा सा दूर रहिए ऐसे बिजनेस से। ठीक है, नहीं तो आपका पैसा जो कैपिटल है वो ज़्यादातर फंस जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके इंक्रीज कीजिएगा, और मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। हम बताने वाले हैं कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है। उसके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाला वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाएगा।